नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अंकुर अस्थाना अपने खास चैनल क्यूरिन ही आयुर्वेदा में। लगातार हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक हेल्थ की सारी जानकारियां लेके आते हैं, हेल्थ संबंधित सारी चर्चाएं हम करते हैं। और हमारे साथ इस चर्चा में जो आज हम चर्चा करेंगे वो एड्स पर होगी। इसमें चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे अजीज और सहयोगी मित्र रिजवान खान के साथ। रिजवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं शुरुआत करना चाहता हूँ HIV एड्स से, क्योंकि माह की स्टार्टिंग है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बहुत ही गंभीर बीमारी है, लाइलाज है, लेकिन इसके वायरस को दवाओं से कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण इलाज इस बीमारी का अभी तक नहीं निकल पाया। इस कारण कई सारे जो मतभेद हैं लोगों में, बीमारियों को लेकर भ्रम है, वो सारी विषयों पर चर्चा करेंगे और एक बेहतरीन पॉजिटिव स्टोरी आपको सुनाऊंगा। लेकिन शुरुआत करूंगा HIV एड्स से और थोड़ा सा रिजवान जी से बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा। आप भी इस चर्चा में शामिल हैं, लगातार सुनते रहिए। रिजवान जी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और ऐसे में एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी शुरुआत का पता चला था, हम अगर देखा जाए तो 1984 में रायन वाइट नाम का एक 12 साल का लड़का था, उसे हुआ था गलत ब्लड चल जाने की वजह से। उसके बाद से इस बीमारी में लगातार चर्चा रही और बढ़ते बढ़ते इस बीमारी की इतनी ज़्यादा पहुँच लोगों तक पहुँच गई। क्या लगता है, अभी भी सर्वे कहती है 34% जो लोग हैं वो नहीं जानते कि HIV की सच्चाई क्या है, क्या मिथ्या है, क्या झूठ है। देखिए अंकुर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब जैसे दिसंबर की स्टार्टिंग है और 1 दिसंबर को जिस तरीके से एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी कि HIV एड्स दिवस जो मनाया जाता है, उसको लेकर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसकी जानकारी दी जाती है, उनको जागरूक किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि कितना खतरनाक होता है HIV एड्स और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप इस पर रोकथाम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार हर एक व्यक्ति के मन में उमड़ते रहते हैं। लोग इसके बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि HIV को जानलेवा बीमारियों की श्रेणी में रखा जाता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो 2 बीमारी ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और घबरा जाते हैं। एक तो हम लगातार बात करते आए हैं कैंसर के बारे में, कैंसर की बीमारी अपने आप में जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से आप भरी भांति वाकिफ भी होंगे। लेकिन अब अगर अंकुर जी ने ये विषय उठा ही दिया है, टॉपिक पे बात कर ही दी है कि HIV और एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको बताना कि कितनी खतरनाक ये बीमारी होती है, किस तरीके से लोगों को अपनी चपेट में लेती है, तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी अंकुर जी ने बताया कि 1984 का वो समय था जब 12 साल के लड़के के अंदर इसको डिटेक्ट पाया गया था। रायन वाइट नाम का जो लड़का था, 12 साल की उम्र में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कम उम्र में और इतनी बड़ी बीमारी का होना कहीं ना कहीं वाकई चौंकाने वाला था और सारे के सारे लोग हैरान रह गए, परेशान हो गए। और उस वक्त ज़्यादा बड़ा धक्का लगा जब ये कहा गया कि HIV ये लाइलाज बीमारी है और खतरनाक बीमारी है, एक ऐसी खतरनाक बीमारी जो काफ़ी ज़्यादा दर्द देती है। तो ये इस तरीके की बीमारी थी उस टाइम से लोगों के अंदर HIV के बारे में जानना, आखिरकार बीमारी है क्या, कैसे ये क्रिएट होती है, किस तरीके से इससे निजात पाई जा सकती है और किस तरीके से दर्द देती है, उनके बारे में लगातार जानने की कोशिश रही है लोगों के अंदर। जी जी बिल्कुल, रिजवान जी ने बात तो बताई दी आप लोगों को। देखिए, जो HIV एड्स है, लोगों में अभी भी भ्रम है कि ये छुआछूत की बीमारी है। आपसे 100 बार बताता हूँ ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। देखिए, अगर आप HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ खाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसके साथ रहते हैं, इससे HIV नहीं होता। आप कुछ भी खाएं, उनका जूठा भी खा सकते हैं, HIV नहीं होगा। आप उनके जूठे बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं तो भी HIV नहीं होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि HIV के जो वायरस होते हैं वो बाहर नहीं आते, और अगर आते भी हैं शरीर से बाहर तो ज़्यादा देर बाहर नहीं टिक पाते। इसलिए आप इनकी जो भी चीज़ों को आप अगर HIV पेशेंट जो है उनसे मिलते हैं, उनका जूठा पी लेते हैं, खा लेते हैं, उससे नहीं होता। होता कैसे है, आप अगर फिजिकल रिलेशन किसी भी बंदे से बनाते हैं जो HIV ग्रसित है, उससे हो सकता है। अगर आप उस HIV संक्रमित ब्लड आपके चढ़ जाता है तब हो सकता है। और भी, और अगर आप HIV पीड़ित शख्स के साथ
उसकी जो ब्लीडिंग है उसका ब्लड चढ़ जाए आपके शरीर में, उससे उसको चढ़ी हुई सिरिंज आपके शरीर पर लग जाए तो HIV हो सकता है जनाब, ये छुआ छूत की बीमारी नहीं। और कानून के अनुसार आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप HIV एड्स रोगी के साथ भेदभाव करते हैं तो आपको 2 साल की सजा और सजा का प्रावधान भी किया गया है, आप किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। आपको आपने देखा ही होगा कुछ ना कुछ लोग मिलते होंगे, कुछ ऐसी वाक्य आपने देखा होगा आपको HIV पेशेंट के साथ भेदभाव होता है? देखिए अंकुर जी बिल्कुल सही कहा, HIV को लेकर के जिस तरीके से लोगों के अंदर एक अलग ही तरीके की मिथ बनी हुई है कि अगर हम लोग HIV पेशेंट्स के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लाइलाज बीमारी हमें भी अपने जल मिल जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही एक मामला सामने आया था कि जो कि 8 साल के बच्चे के अंदर HIV के यानी कि जीन पाए गए थे और HIV का जो पॉजिटिव टेस्ट आया था वो वाकई में हैरान कर देने वाला था, उसको देख कर के लोग हैरान रह गए। और फिर यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो गया था कि आखिरकार इनको HIV हुआ कि एक 8 साल की उम्र में बच्चे के अंदर अगर HIV पाया जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो इस पर रिसर्च हुई और जो बच्चे के पेरेंट्स थे, मम्मी पापा और जितने भी परिवार वाले थे, उनका दोबारा से टेस्ट किया गया, उसमें देखने को मिला कि सारे के सारे लोगों के अंदर नेगेटिव है HIV। तो उसके बाद में फिर ये देखने को मिला कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 साल के बच्चे के अंदर HIV पॉजिटिव होना, और वो भी जब फैमिली के अंदर किसी के भी किसी मेंबर के अंदर HIV पॉजिटिव नहीं था। तो फिर जब देखा गया तो बच्चा बताता है कि मैंने एक जगह से चाट खाई है, इनकी फ्रूट चाट जो होती है रेहड़ी पर, तो वहाँ पर से जब देखा गया कि रेहड़ी कौन सी है, कहाँ से उन्होंने खाई है, तो जो वहाँ का विक्रेता था जो मतलब ड्राई फ्रूट जो ये आज वहाँ पे बेचता था, तो उसके पास गए तो वहाँ पर देखा कि उसके हाथ में छोटा सा कट लगा हुआ है, और कट लगा हुआ है तो जो छोटा छोटा खून है वो उस फ्रूट से मिल जाता है, और जो वो देता है तो बच्चा उसको खा लेता है, उसको जाए यानी पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पर देखने की बात ये है कि वहाँ पर भी ध्यान नहीं दिया गया था, ध्यान तब दिया गया जब उस विक्रेता का, जब उस दुकानदार का HIV टेस्ट कराया गया, तो वहाँ पर पता चला कि उनको HIV पॉजिटिव है, और उन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था इस बात का कि उन्हें HIV हो रखा है। वो बेबाकी के साथ, बेअंदाजी के साथ और बिना किसी डर, बिना किसी शिकायत के अपनी जिंदगी यूं ही बिताने जा रहा था। लेकिन जब डॉक्टर्स की टीम ने उनको ये बता दिया कि उन्हें HIV, तो बड़ा धक्का लगा उस व्यक्ति को, और उन्होंने कहा कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि मुझे HIV पॉजिटिव है। जी बिल्कुल रिजवान जी, आपकी इसी बात को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। रिजवान जी ने बताया ये बात सच है कि HIV के लक्षण वो समझ में नहीं आते, वो भी हमने जैसा कि लगातार बोला है कैंसर एक चोर बीमारी, उन्हीं श्रेणी में आप HIV को भी रख सकते हैं। HIV के भी लक्षण समझ नहीं आते, आप HIV के जो लक्षण थे वो धीरे धीरे आपके अंदर बसते जाते हैं, एकदम से आपको झटका लगता है, ऐसी बीमारी है ये। लेकिन आपके सामने, आप रिजवान जी आपके सामने भी और दर्शकों के सामने भी, हमें लगता है कि ये प्रोग्राम हमारा HIV पेशेंट भी देखेंगे क्योंकि HIV स्पेशल प्रोग्राम है, तो उनको बताना चाहूँगा कि आप जिंदगी से हारे मत। उसी जिंदगी से हारे हुए एक शख्स की कहानी, पॉजिटिव स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं, और वो शख्स कोई और नहीं, काल्पनिक नाम है, और अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार हम वो खबर पढ़ते हैं, और हमारे सामने अखबार पड़ा हुआ है हिंदुस्तान ने उनकी स्टोरी लिखी है। 22 साल की उम्र है उनकी, और काल्पनिक नाम है इनका अमित कुमार, इनका नाम ओरिजिनल नहीं बताया गया, कुछ कंडीशंस होंगी जिस कारण नहीं बताया गया। ये 22 साल के शख्स हैं रुमान जी, और इन्हें जब पता लगा कि इन्हें HIV है, ब्लड गलत चढ़ गया था इनके शरीर में, उसके बाद से इनका जो गांव वाले जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ के निवासी हैं, वहाँ पर गांव में इतना अच्छा इलाज नहीं था, मुहैया नहीं कराई जाती थी, सुविधाएं नहीं थी। जब ये बात सार्वजनिक रूप से सामने आई तो गांव के लोगों ने इनको अलग करना स्टार्ट कर दिया। इनके लिए आम के पेड़ के पास खटिया रखी, खटिया में इनको सोने की व्यवस्था मिली, बैठने की व्यवस्था मिली, किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया गया, सिर्फ छुआछूत की वजह से ये सोच रही, बिल्कुल गिरी हुई सोच रही लोगों की। उसके बाद ये इतना आहत हो गए थे अपनी जिंदगी को, सबसे बड़ी जो पवित्र रिश्ता माँ का होता, माँ ने भी इनका साथ नहीं दिया इस बीमारी के चलते। इनके पास खाना लेके जाती थी माँ इनकी, तो दूर से ही खाना लेके चली जाती थी, उसे डर था कि कहीं मुझे ये बीमारी ना हो जाए। तो सोचिए कि इस बीमारी का कितना बड़ा झूठ से ये झेलते रहे, उसके बाद ये झेलने के बाद ये बढ़े रिजवान जी, और इसके जब बढ़े तो ये हारते हुए जिंदगी के साथ इनको एक सक्षम शिक्षक मिले। शिक्षक ने कहा इनसे कि भाई 1500 रुपये लो और तो अपना दिल्ली में जाओ इलाज करवाओ।
जब वो दिल्ली आए, दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स में उन्होंने इलाज कराने की कोशिश की, नहीं हो पाया, असफलता लगी, तो भाई गए सोचे कि कैसे अपनी ज़िंदगी चला जाए। तो उन्होंने कूड़ा बीनने का काम स्टार्ट किया, कूड़ा बीनने रहे, बीनते रहे, जब तक एक शख्स इनसे टकराया और वो शख्स इनसे मिला, तो इन्होंने अपनी परेशानियाँ बताई। परेशानियाँ बताकर इन्होंने उन शख्स से मिला और वो शख्स इनको एक HIV एड्स संस्था के पास एक जगह ले गए, जहाँ पर इनको दिया गया था बिस्कुट खाने को। जो अमित है, काल्पनिक नाम इनका, इनका जूठा बिस्कुट उस शख्स ने खा लिया, उसे HIV नहीं था खिला, तो उसने खाया तो ये शॉक हो गई, क्योंकि अभी तक तो इनके साथ ऐसा बर्ताव होता था कि कपड़े नहीं पहनने, साथ नहीं रहना, खांसना नहीं, छींकना नहीं, तरह तरह की यातनाएं थी बुरी। वहाँ पे उनको बड़ा अच्छा मोटिवेट हुए और जिंदगी को समझा। उसके बाद उनको उसी शख्स ने सलाह दी कि आप एड्स के लिए कुछ काम करें। तो बाद में उन्होंने, बड़े गर्व की बात है कि 6700 लोगों का नेटवर्क इन्होंने बना दिया और बड़ा नेटवर्क बनाया, और आज ये दिल्ली एड्स नियंत्रण सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर है। बहुत बड़ा हाथ अब ये संभाल रहे हैं HIV पे, और नेटवर्क के जरिए जो जो इन्होंने बनाया 6700 का, उस नेटवर्क के माध्यम से ये HIV पेशेंट लोगों की जो यातनाएं होती रही हैं, लोगों ने परेशान किया है, उन सब चीज़ों पर मदद करते हैं। एजुकेशन का मामला हो, उनके खाने पीने का मामला हो, रहन सहन का मामला, मतलब बहुत पूरा काम देखते हैं। तो कूड़ा बीनने वाला कैसे इतना बड़ा हो गया, देखिए कितनी बड़ी देखिए, बात। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर अंकुर जी कि अगर हमारी सोच अच्छी है तो फिर हमारा नजरिया भी खुद ब खुद बदल जाएगा। क्योंकि एक कहावत होती है, लोगों के बीच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सुनने के बाद लोग फॉलो करते हैं, ना कि उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कभी भी। मुझसे अगर कहा, अगर मुझसे कह दिया गया है कि इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हालांकि उससे नुकसान होगा नहीं, लेकिन मैंने उस पर उनकी बातों पर विश्वास किया और उसको करना फॉलो कर दिया, तो ये मेरी अपने आप में बड़ी बेवकूफी मैं इसे समझ सकता हूँ। क्योंकि अगर चीजें हैं तो फिर उसका सोल्यूशन भी उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं आपने एक अच्छी स्टोरी उन लोगों के लिए बताई है जो कि HIV से पीड़ित हैं और HIV की जद में आए हुए हैं और वो अपनी हिम्मतों से हारते जा रहे हैं। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपको HIV पॉजिटिव है तो फिर आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि अपने जुनून, अपने हौसलों के बल पर लगातार इस बीमारी से लड़ना है। और फिर हो सकता है वो दिन दूर नहीं होगा जब आसानी से आप इस बीमारी पर काबू पा जी लेंगे। बिल्कुल, रिजवान जी ने कह दिया कि इस बीमारी से काबू पाना आपके लिए पहली चीज़, तो आप पॉजिटिव रहें, और साथ ही साथ मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपनी जो सोच है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस मानसिक मजबूती की, सबसे ज्यादा जरूरत है आपको इस बीमारी से लड़ने के लिए। शारीरिक तो होगी, लेकिन आपको मानसिक मजबूती चाहिए इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए। तो हम आप सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि आसपास के माहौल, जो भी आपको इस HIV पेशेंट दिखे, उससे भेदभाव मत करें, क्योंकि अगर आपने किया तो ये कानूनन अपराध है और इसमें आपको 2 साल की जेल हो सकती है। तो फिलहाल इजाजत चाहूंगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे कहूंगा कि लगातार आप हमारे चैनल क्यूरन ही आयुर्वेदा से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको हर सारी अपडेट मिलती रहेगी। रिजवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आपसे अलविदा कहता हूँ। नमस्कार।